ये उठाई जा रहे हैं सिलेंडर, देखिए मैं बोल रही हूँ मैं उठाऊँ, बोले नहीं मैं उठा लूंगा। अब इसको निकालना है पहले, ये देखिए अचानक से गैस खत्म हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ दाल की लौकी, और जिसके लिए मैंने कुकर रख दिया है, तेल गर्म हो चुका है, जिसमें डाल रही हूँ मैं जीरा, कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डालूंगी, वही नॉर्मल मसाले डालूंगी, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, इसमें डाल दी मैंने प्याज, सुनहरा हो चुका है। अब डालेंगे करेली, देखिए ये करेली, अब ये देखिए हरी मिर्ची भुन गई। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, देखिए हमारा फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा और लूंगी मैं, आप अपने हिसाब से रखिएगा, और धनिया मैंने कुटा हुआ डाल ही दिया था। इसी में मैं लूंगी थोड़ा सा पानी, और ये डाल दिया मैंने, और इसमें मैं डालूंगी सेंधा नमक, आपको जो नमक पसंद हो वो डालिए, लेकिन सेंधा नमक ही डालूंगी, बीपी कोलेस्ट्रॉल सबको मतलब बैलेंस करके रखता है, सेंधा नमक एकदम शुद्ध खाना होता है। ये देखिए ये मेरा सेंधा नमक है लाल वाला, ये मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, मैं इसमें लौकी डालूंगी, देखिए मैंने इसमें लौकी डाल दी है, अब मैं लौकी को ऐसे ही छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने दूंगी, ठीक है। 2 मिनट हो चुके हैं, और देखिए अब मैं डालूंगी इसके बाद दाल, ये देखिए जो मैंने दाल रखी थी। आप लौकी को इस तरह से बनाएंगे ना दाल के साथ, तो बच्चे भी आराम से खाएंगे, जबकि लोग लौकी नहीं खाते हैं, लेकिन ना लौकी की सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है, और दाल के साथ तो वो डबल हेल्दी हो जाती है, जबकि प्रोटीन भी मिल जाता है इसको। आप उसको कैसे इस तरह से रखिए, फिर से मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ठीक है। ये दाल भी मेरी अच्छे से मसाले में मिल गई है, ये देखिए। अच्छा अब मैं डालूँगी इसमें पानी, पानी जितना आपको रखना हो उतना ही रखना, ठीक है। बॉल हो चुका है, अब मैं इसमें बंद कर देती हूँ, ढक्कन लगा देती हूँ कुकर में, बंद कर दिया है, 2 सीटी आने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। मेरे कुकर में सीटी आने वाली है, 1, 2, 3, 4 अभी नहीं आई, टाइम से आई, और ये देखिए सीटी आने लगी। अच्छा इधर मैंने दूध बॉल रख दिया है, तब तक मैं इसमें मेरे विजिल आ ही रहा है, ठीक है, चलो आवाज आ जाएगी, अब चलते देखे ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए मेरे घर में हो रहा है फ्रूट का नाश्ता, ये देखिए ये खाए जा रहे हैं मैंगो, बिटिया रानी हमारी खाए जा रही है। अच्छा पीहू को मैंगो बहुत पसंद है, मैं और हैप्पी दोनों ओट्स का नाश्ता किए हुए हैं, दोनों ने ओट्स खाया है, ये दोनों फ्रूट खा रहे हैं, इधर मेरा खाना बन रहा है, ये देखिए ये बना रहे हैं अपनी हेल्थ फ्रूट खा के। उधर देखो पीहू का वीडियो भी चल रहा है दिल्ली का, वो भी देख रहे हैं, इतनी पतली सी है डांस, लेकिन अच्छा लगता है। बाहर का मेरा सारा काम हो चुका था, सब खाना बन रहा है, लेकिन नाश्ता सब लोगों का हो ही चुका है। अच्छा मेरा
यार लगता है मेरी गैस खत्म हो गई, गैस खत्म हो गई भाई, सुनिए गैस खत्म हो गई। और देखिए बहुत अचानक से हमारी गैस खत्म हो गई, अब क्या होगा ये देखिए। ये उठाई आ रहे हैं सिलेंडर, देखिए मैं बोल रही हूँ मैं उठाऊँ, बोले नहीं मैं उठा लूंगा, अब इसको निकालना है पहले। ये देखिए अचानक से गैस खत्म हो जाए, और घर में अगर गैस ना हो तो क्या होगा, आप लोगों को तो बताइए ना क्या होगा, खाना रुक जाएगा, फिर वेट करना पड़ेगा। इसलिए हमारा कब से इस बार का सिलेंडर हमारा 3 महीने चला है, हम लोग फरवरी में घर गए थे उससे पहले लगाया। और ये देखिए सिलेंडर लगा रहे हैं, पता ना हमको सिलेंडर खुद लेके आना चाहिए, वो कम से कम ज़्यादा चलता है, मैंने देखा है कि होम डिलीवरी वाले आते हैं वो इतना नहीं चलता है, जैसे कि वो लोग गैस निकाल लेते हैं बीच में से। और एक बार जब मेरा सिलेंडर आया था मेरे घर पे तो उसकी सील खुली हुई थी, हम पहले देखे नहीं, जब जैसे रखा तो देखा पूरा खुला हुआ था, वो हमारा 1 महीने भी नहीं चला। फिर हम ही लेकर आते हैं सिलेंडर जाके, जब छुट्टी रहती है उसी दिन ले आते हैं, जब इमरजेंसी होती है तब हम लोग होम डिलीवरी मंगाते हैं, नहीं तो नहीं मंगाएंगे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि गैस चलती नहीं है। मैं सोच रही थी कुकर में सीटी क्यों नहीं आ रहा है, आज तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। आवाज उठती थी, ऐसा लगा धमाके से सीटी आया। जो मेरी लौकी वाली दाल थी वो रेडी हो चुकी है, मैंने इसमें देखिए धनिया डाल दिया, और देखिए आप खुद ही देखिए बच्चे कैसे नहीं इसको खाएंगे। ये देखिए इसमें दाल आपको दिख रही होगी, मूंग की दाल, मूंग और मसूर की दाल और लौकी, ये देखिए और बहुत टेस्टी लगती है सच में। ये देखिए मैं जमाने जा रही हूँ, अब मैं देखती हूँ रात का दूध जो बच गया था उसके लिए मैं दही जमाऊँ। ये देखिए 1 चम्मच दही डाल दिया मैंने 4 घंटे में, और इसलिए जम जाएगा। और ये मैंने रात में सब कुछ डाल दिया, इसमें डालूंगी मैं बूंदी, और ये मसाले वाली बूंदियाँ हैं, ये मेरे यहाँ पर फीकी बूंदी नहीं मिलती हैं, तो इसमें करी लीव्स भी डली रहती हैं और मूंगफली भी पड़ी है इसके अंदर। ये है मेरा बूंदी का रायता, ये देखिए मेरा रायता भी रेडी हो गया है, दही भी जम गया है, और ये देखिए ये मेरी ना पनीर टिक्की भी रेडी हो गई थी। देखिए मैंने ज्वार का आटा गूंद लिया अच्छे से, गर्म पानी था, गर्मियों में ना गर्म पानी लगता है हाथों में, पहले आप लोग चम्मच से मिला लेना उसको, और मुझे तो क्या हैबिट हो गया है तो इतना नहीं लगता है, देखो लाल हो जाता है पूरा हाथ इस तरह से, एकदम रेड रेड दिख रहा है, देखो इस तरह से आसानी से उठाएंगे, ऐसे लेंगे आटा वाला ऊपर लेंगे और ऐसे इसको डाल देंगे, ठीक है ऐसे करके, और उसमें मैं पानी डालूंगी ऐसे, इससे जो डस्टिंग मैंने लगाई थी ना आटे की वो फिर ऐसा लगेगा कि रोटी हाथ से ही बनी है, ठीक है इस तरह से आसानी से रोटी बन जाती है। उसको पचने देंगे, फिर से मैं ऐसे ही पेड़ा लूँगी आटा लूँगी, और फिर से इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी, ठीक है देखिए ऐसा हो जाता है। फिर से मैं आटा अच्छे से हो जाएगा,
ऐसा पेड़ा बना कर रखूंगी इसको। मैं देखूंगी मेरी रोटी अच्छे से पच गई कि नहीं। रोटी मेरी पच गई है और ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगती है रोटियां। ये नहीं कि हमको वेट लूज करना है इसीलिए खाना है, हम तो इसको कभी भी किसी भी टाइम खा लेते हैं। अभी सेक सकते हो इस तरह से, सेक सकते हो इसको ना, मैं ऐसे सेक के अच्छा लगता है, तभी तो वो सिकी जाती है, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा कच्ची सी लगती है। और देखिए ये रोटी को मैं ऐसे धीमे धीमे करके सेकूंगी और ये देखिए तब तक ही मेरी रोटी नीचे सिक रही है अपने आप, क्योंकि टाइम लगता है इन रोटियों में सिकने के लिए। और तब तक के लिए मैं ये और ये रोटियों को पलट दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए टाइम लगता है ना, मैंने कहा ना इनमें इतनी कुछ इतनी जल्दी नहीं होंगी। चलो अभी पड़ गई है तो ये अब ऐसे ही सिक जाएगी। और ये देखिए है ना, ये है ज्वार की रोटी, एकदम हेल्दी क्रिस्पी और टेस्टी। और ये हमारी दूसरी रोटी बन रही है। और ये देखिए मैं रोटियों पे लगा दूंगी घी, देखिए रोटियां बन चुकी है। ये मेरी ज्वार की रोटियां हैं, घी लगाने से बहुत टेस्टी लगती हैं, ये देखिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मुझे करना था ब्लॉग का एंड, तो मैं एंड नहीं कर पाई थी लंच टाइम में, आप बज रहे हैं रात के 8 और हम लोग चले गए थे बाहर, तो वीडियो का अब मैं एंड कर रही हूँ। अब बारिश भी हो गई तो मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। चलिए आशा कर, हाँ मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको पसंद नहीं आए वो भी लाइक कीजिए, ठीक है। बाय बाय, मिलती है अगले ब्लॉग में, बाय। ये बज रहे रात के 10:30, 10:30 टाइम हो रहा है, इतनी जोरों से बारिश हो रही है, ये देखो। रात का समय ना, इसलिए ऐसे लग रहा है।